अब मैं हमारे अगले शख्स को बुलाना चाहूंगा जिन्हें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है और उन्होंने बहुत सारी म्यूजिक रेनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो, और उन्होंने सावरिया, ब्लैक, देवदास, हम दिल दे चुके सनम जो सारी पिक्चरों की म्यूजिक को डायरेक्ट किया है, और वो प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड मीडिया सेल के भी हेड रह चुके हैं, रेड हेड है, और मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा मोंटी शर्मा। तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। और सर आपसे विनती है कि सभी के लिए हमारे जो उपस्थित, नमस्कार सब लोगों को, सब बड़ों को मेरा प्रणाम। और मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, बट हम कैसे जुड़े इस पार्टी में, हम क्यों आए इस पार्टी में, और आज यहाँ पे हम जो हैं वो सब गोपाल जी की वजह से। उनका एक विजन था, उनका एक उनकी एक सोच थी जो मुझे लगता है कि हर उम्र के लोगों के साथ वो जुड़ती है, और वो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भी जुड़ी, और हमने डिसाइड किया कि भाई हमको कुछ ये पार्टी में करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं देव साहब और उनको ये बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने चार दिनों में, मतलब हमने खाली बातचीत हुई कि भाई ये कार्यक्रम करना है हमको, ये पार्टी को साथ ले जाना है, और उनके बगैर ये नहीं हो सकता था। तो एक तालियां उनके लिए जरूर हो जाएगी। अच्छा, ये पार्टी गोपाल जी जब मेरे पास आए, मेरे से बातचीत हुई, तो हम लोग का नजरिया पूरा फिल्मी होता है, हम हर चीज को फिल्म में देखते हैं, भाई कैसा डायरेक्टर है, कैसा हीरो है, कैसा क्या होगा, पिक्चर आगे बना सकेगा नहीं बना सकेगा, पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, हमारा हीरो कैसा है। तो जो हमारे एक्चुअल हीरो, जो वो वाकई में हीरो है, आप देखिए उनको देख सकते हैं। तो इन्होंने ये पिक्चर का, मतलब हमारे हिसाब से निर्माण किया कि भाई देखो मोंटी भाई, ये ऐसी चीजें हैं हम करना चाहते हैं। और वो जो मुद्दे हैं, जो भ्रूण हत्या के मुद्दे हैं, जो लोगों को मदद करने के मुद्दे हैं, जिनके बारे में लोग बात करते हैं लेकिन वो होता भी, तो जब मेरी इनसे बात हुई और जब हमको मालूम पड़ा कि इन्होंने क्या क्या किया है लोगों के लिए, तो हमको लगा कि हमारा पिक्चर का हीरो हिट है। तो जब हमारा पिक्चर का हीरो हिट है ना, तो पिक्चर तो हिट बनाएंगे। तो ये पार्टी एक तरीके से हमारी पिक्चर है, इसको हम बहुत दिल से बनाएंगे और अच्छे लोगों को जोड़ेंगे। और पिक्चरें होती है, पिक्चरों का मैसेज होता है, पिक्चरों का मतलब होता है, कभी वो लोगों को समझ में आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन हर जो मैसेज हम देना चाहते हैं उसका कोई मंच होता है। और आज ये मंच पे जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारा सबका एक ही मैसेज है कि हम लोग जनता में से ही हैं, हम जनता ही हैं, और हमको जनता के लिए ही कुछ करना है। और वो उसका रास्ता बहुत सिंपल रास्ता है, उसका रास्ता कि सोचो मत, सोच है ना कमजोर कर देती है, करो। और हम यहाँ पे करने के लिए आए, आज ये मंच पे जितने भी लोग हैं सब हम कुछ मिशन लेके आए हैं, और वो हम जरूर करेंगे। और सबसे, मतलब ये शुरू करना, जो ये हमारी, जो मैं पिक्चर बोल रहा हूँ, जो हमारी पिक्चर शुरू हुई है, ये एक श्रद्धांजलि से शुरू हुई है। बिकॉज ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मतलब दे ऑल लेजेंड, और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज रखे गए हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों से जुड़े हैं, और क्योंकि ये इनको आधार रखते हुए ये हमारे इंस्पिरेशन है, हम उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो भी हमारे साथ आएगा वो कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन वर्ड, दैट इज अटैक। जो चाहिए वो हासिल करो, लोगों को मदद करो, सोचो मत और बोलो मत। सो वी आर हियर फॉर यू, हम सबके लिए हैं। एंड इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। तालियां हो जाए मोंटी शर्मा जी के लिए, और हम आप सब, हम जरूर सहमत कर सहमति देंगे अपनी।